नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूं आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइव पर। बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में चोरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वक्त बिग बॉस के घर में हो रही है चोरी, जिसके बाद हमने देखा शमिता शेट्टी और तेजस्वी सभी घर वालों पर भड़कती हुई नजर आती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जंगलवासी जो भी हैं घर में, उन्हें खाने के लिए बहुत कम चीज़ें दी गई हैं, और जो मुख्य घर में इस वक्त रह रहे हैं यानी कि शमिता वगैरह और प्रतीक वगैरह जो घर में रह रहे हैं, उन्हें सारी चीज़ें खाने के लिए दी गई हैं। लेकिन जंगलवासी जब भी कुछ भी चुराते हैं जाकर के, मुख्य घर का सामान कुछ भी चुराते हैं, तो वो बताते नहीं है, वो पूछ कर नहीं लेते, वो चोरी कर लेते। इसके बाद जो मुख्य घर में लोग रह रहे हैं उनको भी खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने आ रही है। जिसके बाद कल जब देखा गया कि जिस तरीके से बटर चोरी हुआ, उसके बाद शमिता और तेजस्वी लोगों पर भड़कती हुई नजर आती हैं और वो कहती हैं इस तरीके से चोरी करना बहुत ज़्यादा गलत है, हमें भी अच्छा नहीं लगता जब हम किसी को खाने के लिए मना करते हैं, तो आप पूछ करके वो चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ें चुरा लेते। इसके बाद जो हम मुख्य घर में लोग रह रहे हैं उन्हें खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जंगलवासी तो आराम से अपना पेट भर के सो जाते हैं, लेकिन बाकी ये घर वाले बहुत ज्यादा बच जाते हैं और उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि कॉफी की भी बहुत ज्यादा चोरी नजर आ रही थी, जिसके बाद शमिता ने ये बात बोली भी थी कि कोई कॉफी चोरी कर रहा है, जिसके बाद जितने भी घर वाले हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन अब दोबारा से बटर जब चोरी हो गया, जिसके बाद घर में बहुत ज्यादा बवाल हो जाता है और लड़ाई भी हो जाती है इस बटर चोरी के ऊपर। आपको बता दें कि प्रतीक सचपाल है वो जंगलवासियों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वो हमेशा ही जब भी मुख्य में खाना बनता है वो जाकर जंगलवासियों को बोलते हैं कि आपके लिए खाने के लिए चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा गलत, क्योंकि बिग बॉस में ये रूल है कि मुख्य घर में जो भी खाना बन रहा है वो जंगलवासी नहीं खा सकते, और जो जंगलवासी खाना बना रहे हैं वो मुख्य घर में खाना नहीं जा सकता है।